और कांवड़िए बेचारे माशाल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा और सावन महीने का खास महत्व है। यही वजह है कि ये यात्रा सावन के महीने में ही निकाली जाती है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे शिव भक्ति का महीना भी कहा जाता है, जिसमें शिव भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। आज इस यात्रा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी के नेता ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ियों पर ऐसा क्या कहा है, अब जरा वो सुन लेते हैं। हम नमाज पढ़ लेंगे, दो मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सच है, किसी के बाप की नहीं है। दो महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते और कांवड़िए बेचारे माशाल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। दरअसल AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सोमवार को मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर नमाज की पाबंदी को लेकर योगी सरकार और यूपी पुलिस को जमकर सुनाया, लेकिन सुनाते सुनाते उनके बोल कांवड़ियों के लिए बिगड़ गए। शौकत अली ने कहा कि वो चिलम मारते हैं और शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ते हैं, लेकिन हमारा पुलिस विभाग जाकर उनके पैरों पर मरहम लगाता है, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और अगर हम दो मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। एक बार फिर सुनिए ओवैसी के नेता का ये विवादित बयान। हम नमाज पढ़ लेंगे, दो मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सच है, किसी के बाप की नहीं है। दो महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते और कांवड़िए बेचारे माशाल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। शौकत अली ने ये बयान कुंदरकी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी हाफिज वारिस के लिए आखिरी दिन प्रचार कर रहे थे, तभी उन्होंने मंच से खड़े होकर कांवड़ियों के लिए ऐसी ऐसी बातें कही कि सियासी गलियारों में इसकी चर्चा शुरू होने लगी। माना जा रहा है कि इस बयान पर सियासी बवाल मचना तय है, साथ ही कुंदरकी में जीत के सपने संजोकर बैठे ओवैसी को झटका भी लग सकता है।